घोटपाल मेला आदिवासी संस्कृति और परंपराओं रस्मों का एक सुंदर सामंजस्य। तो आइए चलते हैं एक खूबसूरत सी दुनिया से रूबरू होने। फरवरी के महीने में होने वाला यह मेला प्रतिवर्ष घोटपाल में आयोजित किया जाता है, जिसमें बस्तर के विभिन्न प्रकार के देवी देवता, पारिवारिक देव और विभिन्न पेन पुरखाओं का यहाँ पे आगमन होता है, जिसपे यहाँ पे पूरे वर्ष प्रतिवर्ष अपनी खुशहाली की प्रार्थना एवं पूजन की उनसे दुआ मांगी जाती है। यहाँ पर कई प्रकार की रस्में निभाई जाती हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर देवों को स्नान कराया गया। उसके उपरांत देव स्नान करने के बाद जो देव हैं वह किसी व्यक्ति के ऊपर विराजमान होते हैं, और साथ ही कुछ देर बाद यह मुख्य स्थान पर श्रृंगार के लिए चले जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एक प्रकाश, डंडक ब्लॉक बस्तर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारा ब्लॉग आज का ट्रेडिशनल ट्राइबल कल्चर फेस्ट घोटपाल के ऊपर आधारित है। दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह ज़रूर बताएं ताकि हम और आपके इच्छानुरूप वीडियो में नए नए परिवर्तन और आपकी रुचि अनुसार अपलोड करते रहें। दोस्तों घोटपाल कोया करसाड़, जो कि प्रतिवर्ष होने वाला एक अद्भुत पारंपरिक और आदिवासी उत्सव है, यहाँ पर कई प्रकार के नृत्य शैलियाँ, देवों को मनाने की प्रक्रिया एवं कई रंग देखने को मिलते हैं। उन्हीं रंगों में से एक रंग है सामूहिक नृत्य, जो प्रत्येक मेले की खास बात होती है। यहाँ पर देवों का पूजन एवं उनकी मांग अनुरूप इच्छा मांग पूरी कर जाती है। साल भर खुशहाली, स्वास्थ्य एवं धन धान्य से परिपूर्ण होने की कामना करते हुए यहाँ के मूल निवासी इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से देवताओं को समर्पित करते हुए मनाते हैं। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में आप बहुत से रंग देखेंगे, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको घोटपाल मेले के विभिन्न रंगों के साथ छोड़ता हूँ। धन्यवाद। Thank you.
का आगमन होने वाला है। Maestro Ordin, de la Maestro Ordin,
डॉक्टर रमेश कबूतर बोलो एक महिला जाहिर एक मूड वर्षा नर देखा लगभग ढाई से तीन वर्षा Thank you.